अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सर आतिफ परवेज आरई, एमएससी मैथमेटिक्स। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 को। एक्सरसाइज 2.6 को हमने इससे पहले जो अपने प्रीवियस लेक्चर में 2.6 के पहले पार्ट को डिस्कस किया था, जिसके अंदर से हमने ये फाइंड आउट किया था कि इंडेक्स और रेडिकेंट क्या होते हैं, इंडेक्स और रेडिकेंट क्या होते हैं। और आज हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, उस उन हिस्से ही एक्सरसाइज के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन हैं। इन क्वेश्चंस में हमने ये सिर्फ सिंपलीफाई करना है। क्या करना है? सिर्फ सिंपलीफाई। हम ये कैसे करेंगे? निहायत ही आसान। देखिएगा बेटा, बेटा देखिए एक चीज आपको क्लियर कर दूं आज, कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर यहां पर 3 हो तो इसका मतलब होता है 1/3। अगर इस रेडिकेंट या रेडिकल या स्क्वायर रूट के यहाँ पर 4 हो तो हम कहेंगे 1/4। अगर बेटा यहाँ पर 5 हो हम कहेंगे 1/5। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर है 1/3। 1/3 तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए बेटा, सॉल्यूशन लिखा हम लोगों ने, सबसे पहले 27 के ऊपर हम रेडिकेंट को हटाकर 1/3 दे देंगे। ओके, अब हमने क्या करना है कि 1/3 को खत्म करने के लिए हम लोग जो है 27 का एलसीएम लेंगे। 27 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? देखिए बेटा, 2 का टेबल से लगता नहीं है तो 3 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। Understand? Very good. Okay. ये हो गया हमारे पास LCM। अब हमने क्या कर रहे हैं कि 27 की जगह 3 multiply by 3 multiply by 3 और ऊपर पावर में 1/3। अब देखिए बेटा, 3 दफा है, 3 टाइम है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 3 टाइम था तो इस तरह लिख दिया। इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब यही है। और इसके ऊपर क्या है? पावर 1/3, पावर 1/3। मेरा बेटा अब देखें हमने क्या करना है, इस 3 को इस 3 में क्लोज कर दिया, अगर इसको ओपन करेंगे तो यही बनेगा दोबारा। इसका मतलब है हमारा 3 टाइम लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, इसका और इसका एक ही मतलब है। ओके, ऊपर 1/3 था, 1/3 दे दिया। अब बेटा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर पावर 1 बचेगी, सिर्फ पावर 1 बचेगी। तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम 1 नहीं लिखेंगे। सिंपल, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और बगैर ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। इट्स अवर आंसर। अब बेटा उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा? सेम मेथड वी विल अप्लाई हियर, सेम मेथड, नो एनी चेंज। अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई सेम एज वेल एज। यहां पर भी देखें 4 है तो ये हो गया 1/4। सॉल्यूशन लिखा बेटा, 6 to 5 के ऊपर रेडिकल को हटा दे बेटा, 6 to 5 ऊपर आ जाएगा 1/4। इसका भी एलसीएम लेना है हमने, ये 6 to 5 का भी एलसीएम लेना है। ये 4 था ना तो 1/4 आ गया, अब यहां पर 8 है तो 1/8 आ जाएगा। लेकिन पहले इस पे आ जाए बेटा, एलसीएम लेंगे। अब जरा चेक करें, ना ही 2 का टेबल इससे लग रहा है, ना ही 3 का टेबल इससे लग रहा है, ना ही 4 का टेबल इसको लग रहा है। हाँ, 5 का इसको लग रहा है, इसको 5 का टेबल लग रहा है। कैसे? देखें 5 1 5, यहाँ पर 6 है, 5 1 5, यहाँ पर 6 है, 1 यहाँ पर चला जाएगा, हो जाएगा 12। फिर हो जाएगा 5 2 10, लेकिन यहाँ पर तो 12 था तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ओ यहाँ पर हो जाएगा 25। तो 5 5 25,
फिर देखिए बेटा, 5 2 10, 2 वहां पर चला गया, हो गया 25, 5 5 25, फिर देखिए बेटा 5 5 25, फिर देखिए बेटा 5 1 5, कितने टाइम हो गया, 4 टाइम, 1 2 3 4, दोबारा चेक कर लें, 5 1 5 1 5, 1 बच गया क्योंकि यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 6 था, 1 यहाँ पर आ गया, यू गेट 12, फिर 5 2 10, लेकिन यहां पर तो 12 था, 2 यहां पर, यू गेट 25, 5 5 25, फिर यहां पर आ गया 5 2 10, 2 बच गया, 2 इस 5 के सामने आ गया, हो गया 25, 5 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 1 5, अब बेटा इसकी जगह रखें 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 1/4, फिर हमने क्या करना है, इस 5 को क्लोज करना है, कितने टाइम में ये बेटा, 4 टाइम, कितने टाइम में ये, 4 टाइम, तो देखें 5 को 4 में क्लोज कर दिया और ऊपर मल्टीप्लाई 1/4 था, 1/4 था, 4 को 4 से कैंसिल, ऊपर 1 बचता है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, सिंपल बेटा हमारे पास आंसर आ गया 5, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, एक सबसे पहले यही मेथड होगा, मैं सबसे पहले इसको हटाना है, इसकी पावर को, रेडिकल को हटाना है, कैसे, सॉल्यूशन लिखा, ए के ऊपर 8, बी के ऊपर 8, ये 8 है तो ऊपर आएगा 1/8, अब ये जो 1/8 है ये इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो आप कैसे लिखोगे, देखो 8 मल्टीप्लाई 1/8, बी के ऊपर 8 है, ऊपर इसके भी 1/8 दे दे, क्लियर है, 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, बाकी क्या बचा, ए और बी, इट्स आवर आंसर बेटा, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, 1/8 इसके ऊपर भी था, इसके ऊपर भी था, दोनों के ऊपर देकर कैंसिल कर दिया, सिंपल ए और बी, अंडरस्टैंड, तो ये क्वेश्चन से कुछ 6 7 और 8 बेटा, इससे आगे जो क्वेश्चन है वो है 10 11 12 13 एंड 14, ये आप लोगों ने होमवर्क में करके आने हैं, स्पेशली FYF के स्टूडेंट्स के लिए, जब आप आए सैटरडे को तो आप लोगों ने ये होमवर्क में क्वेश्चंस करके आने हैं, उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों को ये तमाम सम समझ में आए होंगे, बहुत ही आसान थे, बड़े ही इजी थे, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें बेटा, अपने बड़ों का ख्याल रखें, घर पे रहें, थैंक यू वेरी मच। वफा करता है कभी ना।